बहुत सारे लोग इन दिनों में कह रहे हैं कि जो पीटीई है वो बैन होने जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीटी की वजह से बहुत ज्यादा रिजेक्शंस आ रही हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि पीटीई करनी ही नहीं चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि आयल्स करने के बाद तो पीटीई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वेल, दिस इज सलोनी, योर वीजा एडवाइजर फ्रॉम एडसेकेट इंटरनेशनल। आज मैं बात करने जा रही हूँ इन्हीं कुछ सवालों के ऊपर, और मैं आपको इन हर एक सवाल का जवाब दूंगी इस वीडियो में। एंड वीडियो को पूरी देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। एंड आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जिन जिन बच्चों को जो जो भी प्रॉब्लम है, जो जो भी सवाल है, वो मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में कॉमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूं। वेल, Before starting with this video, I want to tell you कि अगर आपको किसी भी कंट्री से रिलेटेड आपको वीजा की एडवाइस चाहिए, इमिग्रेशन से रिलेटेड एडवाइस चाहिए, सो आई एम देयर टू हेल्प यू। दिस इज माई पर्सनल नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम। आई एम देयर टू हेल्प यू एनी टाइम। और इसके साथ साथ आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको पीटी से रिलेटेड बहुत अच्छी गुड न्यूज देने वाली हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि वो गुड न्यूज कहीं आप मिस ना कर जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड नॉट ओनली दिस, मैं आपको हर एक कंट्री से रिलेटेड इमिग्रेशन अपडेट सबसे पहले देती हूं, तो ध्यान रखें कि कहीं आप वो अपडेट मिस ना कर जाएं। और इसके साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना भी मत भूलें। वेल, लेट्स मूव इन टू द वीडियो इमीडिएटली। वेल, मुझे काफी देर से बहुत सारे मैसेजेस स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे थे कि क्या मैम पीटी बैन हो चुकी है, क्या मैम पीटी आगे नहीं चलेगी, क्या हमें पीटी नहीं करनी चाहिए। सो मैं आपको एक ही चीज कहूंगी कि अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ एक रूमर है। जो भी आपने इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे जो भी चीज देखी है, सुनी है पीटी के रिगार्डिंग, दैट इज जस्ट अ रूमर। और एक चीज मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये रूमर क्यों फैला। सी, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूं, आप उसके साथ बहुत जल्दी क्लियर आउट कर लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। फॉर इंस्टेंस, एक बच्चा आईएलटीएस का एग्जाम देता है और उसके बैंड 5.5 आते हैं, एंड वही स्टूडेंट्स फिर पीटी का टेस्ट देता है और वहां पे उसके 6 या फिर 6.5 बैंड आते हैं, इक्विवेलेंट टू आईएलटीएस। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए किसी ने आईआरसीसी में इंक्वायरी डाली कि हाउ इज दिस पॉसिबल। अगर एक स्टूडेंट 5.5 बैंड लेता है आईएलटीएस में, एंड अगर वो पीटी का टेस्ट देता तो उसके 6 या 6.5 इंस्टेंटली कैसे आ जाते हैं। सो दिस वॉज द रीजन, वो सिर्फ एक इंक्वायरी डाली गई थी। अभी तक उसका कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया या कोई भी ऐसी फाइनल न्यूज नहीं आई जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि पीटी बैन हो। अब मैं बात करना चाहूंगी कि क्या हमें पीटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर आपने बाहर जाने का डिसाइड किया है, अगर आपकी कोई ड्रीम लैंड है, तो आपको एक स्टूडेंट होते हुए सबसे पहले एक ही चीज डिसाइड करनी है कि क्या जो मैं कंट्री सेलेक्ट कर रहा हूं उसमें आईएलटीएस वैलिड है या फिर पीटी वैलिड है। तो आपको अपना डिसीजन अपने कंट्री के अकॉर्डिंग या फिर अपनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आप जिसमें जाना चाहते हैं उसको डिसाइड करके ये डिसीजन लेना चाहिए, इधर आई शुड गो फॉर आईएलटीएस और पीटी। क्योंकि अभी तक पीटी की ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई जो ये बताए कि पीटी बैन हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप अपने ड्रीम को देखते हुए अपना डिसीजन लें, ना कि किसी रूमर में आते हुए। आपको रूमर के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये काम करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे ऐसे काफी लोग हैं जो कोई ना कोई रूमर उड़ा देते हैं, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको देख के फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी कि आपको ऐसे कोई भी वीडियोस पे ट्रस्ट नहीं करना। यूट्यूब पे ऐसे काफी सारे चैनल जो है जो एक्सपर्ट नहीं है, दे आर पर्सनली रनिंग देयर चैनल, उनको कोई भी इमिग्रेशन की न्यूज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दैट्स नॉट श्योर। बट मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी, जस्ट वॉच आउट ओनली ट्रस्टेड चैनल्स। हम लोग अगर अपनी बात करें तो हम लोग तब तक अपनी वीडियो अपलोड नहीं करते जब तक हम लोग किसी भी चीज के लिए पर्टिकुलर या श्योर नहीं हो जाते। वी ट्राई टू अपलोड ओनली एंड ओनली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज वी डोंट अपलोड एनी वीडियो। सो मैं यही कहना चाहती हूं कि बस सिंपली किसी भी ऐसे चैनल को देख के कंफ्यूज मत होए, दिस इज योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सही चैनल्स को देख के अपना सही फैसला लो, वरना आपका फ्यूचर रिस्क में आ जाएगा। वेल स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वीडियो। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ऑन माई चैनल आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो जो कि पीटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, और वो एक तरह की पीटी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है। और अगर आप चाहते हैं कि आप वो गुड न्यूज ना मिस करें और आपको उसका अपडेट इंस्टेंटली जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो मिल जाए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन बेल को तो जरूर प्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज व्हेनेवर आई विल अपलोड द वीडियो यू विल बी नोटिफाइड इंस्टेंटली।
और आप वो अपडेट मिस नहीं करेंगे. सो वेल, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो. आई होप यू लाइक इट एंड स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी.